देखिए, ये बड़ी अच्छी केमिस्ट्री की थी 2011 की, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स एनाइन। तो भाई मेटल कॉम्प्लेक्स एनाइन का मतलब क्या होता है, ये बात वाली चीज़। और पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स और मेटल भी हो तो ये ऑप्शन ही। फिर इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टोटल प्रेशर द कर्व ऑब्टेन विल बी पैराबोलिक कर्व। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज डिफाइंड एज। अब देखिए, ये बेस्ट चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। फिर ये बड़ा टेक्निकल आ गया, इन गोइंग फ्रॉम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 1। अब देखो, ये जब है ना 3p6, 4s1, ये बड़ा स्टेबल है। और अब आप इसको 2p5, 4s2 बना के अनस्टेबल करोगे। और चीज़ अनस्टेबल कब होती है, जब उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए, ज़्यादा एनर्जी हो जाए। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका आंसर होगा एब्जॉर्ब एनर्जी। फिर कह रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एबल टू ऐड एंथैल्पी इज बेस्ड ऑन द, कौन सा लॉ होता है भाई, हेसेस लॉ होता है। फिर डेल एच माइनस 100 देखे, कह रहे हैं कि कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन एक्सेप्ट, भाई नाइट्रेशन भी होता है, हेलोजनेशन भी होता है, एल्काइलेशन भी होता है, कंजुगेशन नहीं होता। विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये होता है बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। फिर कोक इज प्रोड्यूस फ्रॉम बिटुमिनस कोल बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। फिर विद इंक्रीज साइज ऑफ एटम डाउन द ग्रुप द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एंड ऑर्डरिंग द पीरियड ऑफ एलिमेंट, ब्रोमीन, कैल्शियम, क्रिप्टॉन ऑन पोटेशियम बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज के हिसाब से आपको कह रहे। अब देखो, एक बात ध्यान में रखो कि लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है बच्चों, डिक्रीज़ होता है। ठीक है, ऐसे करके यूँ जाएंगे ना, डिक्रीज़ होगा। आपको अरेंज करना है एटॉमिक साइज, ये सब जो है ना फोर्थ पीरियड में आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। पहला एलिमेंट पोटेशियम है, फिर कैल्शियम है, लास्ट क्रिप्टॉन है, सेकेंड लास्ट ब्रोमीन है। ये सब क्या है, एक ही रॉ में है फोर्थ पीरियड की। ठीक है, अब इसका मतलब है सबसे बड़ा साइज जो है पोटेशियम का, फिर कैल्शियम का, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन सबसे छोटा है। अब वर्डिंग बड़ी है हमें कि इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे जो सबसे कम है साइज़ में, यानी क्रिप्टॉन, फिर ब्रोमीन, फिर कैल्शियम, फिर पोटेशियम। देखे ना, एक ये है लाइन, इस तरह से साइज डिक्रीज हो रहा है। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है तो हम ये उल्टा ऑप्शन बनाएंगे, पहले क्रिप्टॉन, फिर ब्रोमीन, फिर कैल्शियम, फिर पोटेशियम। ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड जनरली एग्जिबिट ब्राइट कलर बिकॉज, तो करेक्ट आंसर है द एलिमेंट इन पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल आर इजिली प्रोमोटेड टू एक्साइटेड स्टेट, यानी ऑप्शन ए। फिर स्टेनलेस स्टील इज द, तो आयरन बेस्ड चलाओ। फिर कह रहे हैं, एसिडिक नेचर ऑफ इथानॉल इज शोन व्हेन इट रीचेस विद सोडियम फॉर्मिंग, तो आंसर हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। टू वुड वॉल्यूम मस्ट 10 ml ऑफ 5 molar HCl बी डाइल्यूट टू मेक अ 0.5 ml HCl सॉल्यूशन। तो भाई ये V1 है 10 ml, M1 है 5 molar, M2 0.5 molar है, V2 चाहिए, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, इसकी मदद से V2 आ जाएगा 100 ml। फिर विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, तो ग्रेफाइट। फिर ये फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं कौन सा होगा, यहाँ पे बनेगा। तो भाई इसमें दो मौजूद हैं, यहाँ देखो तो ये डबल ओ, ओ एच का मतलब है कार्बोजेलिक एसिड, और ओ के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप, तो ईथर, तो ईथर एंड कार्बोजेलिक। पेलेग्रा इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो नियासिन। फिर विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एटॉमिक हाइड्रोजन एटम, तो देखो बी वाला, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन टेक प्लेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड सम इवन बिलो रूम टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो -273.16 होगा, जहन में रखो। एक्वा रिजिया का मतलब है 1 part by HCl of concentrated HCl
and 3 part by volume of HN. In Hoop's electrolytic method, देखो अब ये बड़ी technical MCQs है, of aluminium refining the reaction which take place at cathodes. तो aluminium plus 3 में 3 electrons जब add up करते हैं तो भाई aluminium बनता है, ये है option B, इसका ख्याल रखना है. Al plus 3, plus 3 electrons है. फिर sodium benzene dodecyl sulfate is the main constituent of, तो answer हो जाएगा surf. फिर जनाब फैट हमेशा पर ग्राम उसका 9 कैलोरी प्रोड्यूस करता है. सिग्निफिकेंट फिगर, यार ये बड़ी टेक्निकल एमसीक्यूज है. देखो मल्टीप्लाई हो गया ये आंसर आएगा, लेकिन आंसर मैं 5.00 कर दूंगा. क्यों? देखो इसमें 3 डिजिट, इसमें 4, तो आंसर 3 डिजिट में आना चाहिए. यही वजह है कि 5 के बाद डेसिमल ला के 20. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज हैज़ वी गो फ्रॉम, तो हमें पता है कि इंक्रीज़ कब होती है, लेफ्ट टू राइट होती है जी. फिर विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्लेन वाटर बॉइलिंग पॉइंट हाई, तो इसका रीज़न होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाई होती है. विच ऑफ फॉलोइंग ऑकर्स इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सो सल्फर ट्राई ऑक्साइड डिजॉल्व इन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. फिर पूछ रहे हैं लीनियर ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल के एंगल बताओ, तो लीनियर का 180, ट्राइगोनल का 120, टेट्राहेड्रल का 109. फिर हीट एवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन, ऑप्शन ए अमाउंट ऑफ केमिकल सस्टेंस इन्वॉल्व, बिल्कुल जी. बी हो गया टेम्परेचर, सी फिजिकल स्टेट ऑफ सस्टेंस इन्वॉल्व, डी वेदर द रिएक्शन ऑकर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो आंसर ऑल ऑफ